क्षेत्र अंबा माता पद्मशेष सेवा मंडल नागपुर द्वारा सामूहिक कड़ाही महापूजा महाआरती एवं महाप्रसाद का आयोजन सोमवार दिनांक 4 सितंबर को जैन कला समाज सांस्कृतिक भवन उमरेड रोड रेशम बाग चौक नागपुर में शाम 6 बजे किया गया था, जहां कई श्रद्धालुओं ने इस आयोजन का लाभ लिया है। हिंदू धर्म की कठिन यात्राओं में से एक नागद्वार की यात्रा है, जहां पथरीले रास्ते से चलते हुए भक्त हरि का जयघोष करते हैं और वापस आकर विशेष पूजन का आयोजन होता है। इस श्रृंखला में पिछले 20 सालों से श्री क्षेत्र अंबा माता पद्मशेष सेवा मंडल नागपुर द्वारा सामूहिक कढ़ाई महापूजा महाआरती एवं महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी मात्रा में यह आयोजन जैन कला समाज सांस्कृतिक भवन उमरेड रोड रेशम बाग चौक नागपुर में किया गया। इस समय बनाई गई शिवलिंग की प्रतिमा और मां अंबा माता की प्रतिमा भक्तों को आकर्षित करी थी। इस महाप्रसाद में लगभग 5,000 श्रद्धालु ने शिरकत की थी, जहां हरि हर के नारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। हर साल हमारे मंडल की ओर से नागद्वार स्वामी मां अंबा माता और पद्मशेष सेवा मंडल दसरा रोड, यहाँ से हमारी जो स्थापना हुई है और ये हर साल ये मंडल की ओर से वहाँ पे पहाड़ी में माँ अम्मा माता पद्मशेष की ओर से लंगर चलता 10 दिन का, 10-11 दिन जितने भी दिन वहाँ पे जो लंगर है वो चलता है। उसके बाद में कढ़ाई का कार्यक्रम रहता हर साल। 20 साल हो गए इस मंडल को और हर साल यहाँ पे जैन कलर में सामूहिक कढ़ाई का कार्यक्रम आयोजित किया जाता और यहाँ पे कम से कम 3-4 हज़ार लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा सुरसुरी बहुत अच्छा व्यवस्थित, मतलब किसी को ऐसा लगेगा नहीं क्या, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। वहाँ की तो गवर्नमेंट करती है मगर हमारे यहाँ के जो विदर्भ के लोग जो जाते हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नागपुर के लोग जो जाते हैं वो सब में ज़्यादा सेवा करते हैं। यहाँ से मटेरियल लेके जाना, खाने की सुविधा से लेके दवाई पानी से लेके हर चीज़ यहाँ से लेके जाते हैं और वहाँ पे सुविधा करते लाखों लोगों की। इस साल कम से कम 10 लाख के ऊपर में वो पहाड़ी में लोग आए, लंगड़े लूले जो भी है हर किसी को कोई मदद करता चलने के लिए प्रोत्साहित करता है और ऐसा किसी को तकलीफ नहीं होती वो पहाड़ी के अंदर में, इतनी मतलब श्रद्धा है, श्रद्धा से लोग वहाँ पर आते हैं। जो कर रहे हैं तो ये पूरे नागपुर के जो भी दाता लोग हैं उनसे हम मटेरियल जमा करके ये करते हैं, बाकी हमारा जो भी शेयर लगता है वो हम डालते हैं और यहाँ पे 5-6 हज़ार लोग उनका कड़े का कार्यक्रम करते हैं। बड़ा अच्छा लगता होगा जब इतना पूरा। हाँ, बहुत आनंद आता है सर, वही अपने सेवा करने में वही है कि हमारे मंडल में आलू बोंडा जिलेबी ये फेमस है, शाम में पूरा खाना रहता डेली चलता। कैमरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।